हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। इसकी सभी वीडियोस हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपलोड करें, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, हमें बहुत खुशी है कि इतने अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने स्टडी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। नाउ स्टूडेंट, हमने 9th क्लास का 7th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। 7.1 एक्सरसाइज हम इसकी कर रहे थे, इसके 7 सम तक हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में जो आपने फर्स्ट 7 सम जो हैं किए हैं उनको एक बार देखें। तो ये है स्टूडेंट आपका फर्स्ट सम, ये सेकंड। मैं इनका जो लिंक है वीडियोस का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से समझ भी सकते हो इन सम्स को, ठीक है। ये सेकंड का 5th पार्ट और ये 3rd के 3। क्लियर है? 3rd का लास्ट पार्ट, 4th का फर्स्ट पार्ट, ये 4th सम का सेकंड, 3rd और ये 4th, ये 5th का फर्स्ट, सेकंड और ये 3rd, 5th का लास्ट, 6th का फर्स्ट, सेकंड, 6th का 3rd, 4th, 7th का फर्स्ट और ये 7th का सेकंड। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये सभी सम्स की वीडियो अगर आपने समझनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो या हमारे चैनल पे जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर सम। तो फर्स्ट है यहाँ पे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो बहुत सिंपल सम है स्टूडेंट, इजी है ये वाले सम्स। लेकिन सबसे पहले जो मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो फर्स्ट पेज पे आप ला दिए हुए हैं एक्सपोनेंट के, वो अच्छे से लर्न करो, फिर ही आपको ये चैप्टर इजी लगेगा, ठीक है। और स्क्वायर्स, नंबर्स के क्यूब, इनको लर्न करो फर्स्ट 20-20 तक की, चाहे या 10 तक कर ही लो लर्न अच्छे से, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई करना है इसको। यहाँ पे एम की पावर्स दी हुई है हमें। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले m की पावर, ऊपर वाली जो होल पावर है इसको अंदर लेके जाएं, 6 को अंदर मल्टीप्लाई होगी दोनों से, ठीक है। कितनी हो गया ये m की पावर 3, 6 सा 18 n माइनस 9, 6 सा 54, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, m की पावर 2 n माइनस 4। नाउ यहाँ पे देखो बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं दोनों। अगर डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऊपर जाके माइनस। तो यहाँ पे m की पावर कितनी आ गई, पहले ऊपर वाली लिखोगे, ठीक है। अब नीचे जो है उसको हम ऊपर लेके गए हैं तो इसका साइन जो है इनके चेंज हो जाएंगे, माइनस 2n और प्लस का 4, ठीक है। नाउ यहाँ पे m की पावर आ गई, n देखो कितने, 18n और ये 2n माइनस का, 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, 16n आ गया, 54 माइनस का और ये 4 प्लस का, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, डिफरेंट साइन है। 54 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया, माइनस 50, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर। क्लियर? इजी है ना, कितना इजी है। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इजी वे से सीख सके ये वाले सम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये एक्स की पावर दी हुई है, ठीक है, बाहर भी पावर, उसकी होल पावर भी दी हुई है, यानी कि ये वाला 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 3 इन दोनों के साथ, ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से करो, सबसे पहले ये वाली पावर ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। एक्स की पावर कितनी बन गई यहाँ पे, 2, 2 जा 4 ए माइनस 4, 2 जा 8, ठीक है। नीचे एक्स की पावर ए प्लस 5, अभी होल पावर बाहर 3 है यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब इसको अंदर लेके आओ, ये कितना हो गया, एक्स की पावर 4, 3 जा 12 ए माइनस 8, 3 जा 24। अब जो यहाँ पे नीचे x की पावर, ठीक है, इसके साथ में 3 ने मल्टीप्लाई होना है, तो कितना आ गया, 3a प्लस 15, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ये मल्टीप्लाई होती है पावर्स दोनों। तो यहाँ पे अब ये सेम है दोनों का, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स नीचे वाली ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले ऊपर वाली वैसे ही लिखो, x की पावर 12 ए माइनस 24, नीचे वाली जब ऊपर जाएगी ये माइनस का 3 ए माइनस का 15। नाउ x की पावर कितनी आ गई, a वाले को a के साथ,
ये 12 और 3 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों, कितना आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 3 जो मैं सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया हमारे पास 9a, और यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं -39, तो x की पावर 9a -39 आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है। नाउ स्टूडेंट थर्ड सम देखो 8 का, यहाँ पे 64, 27 और 12, इनकी पावर्स हमने बनानी है फैक्टर बना के। तो इस तरह से ये देखो 64 जो है 2 की पावर कितनी आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और 3 की पावर ये 27 3 टाइम, और 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2, ये 2 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स, ठीक है। अब यही जो फैक्टर है यहाँ पे हम लिखेंगे, तो सबसे पहले 64 किसकी पावर थी, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6। एक और बात स्टूडेंट, जब भी आप ये बेस लिखते हो और पावर उसकी छोटी लिखनी है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखो तो लिखते कैसे हैं पावर, जैसे मान लो 2 की पावर 6 लिखनी है ना, तो उतना ही बड़ा 2 और उतनी ही बड़ी पावर लिख देते हैं, ये तो 26 बन गया ना, तो ये क्रॉस हो जाएगा, आपका बेस बड़ा रखना है और पावर को ऊपर वाली लाइन में थोड़ा छोटा करके लिखना है। अगर एक ही रो में लिख रहे हो तो इस तरह से लिखो पावर को छोटा, ठीक है, क्लियर है। क्लियर होना चाहिए कि बेस कौन सा है और पावर कौन सी है, ठीक है, नहीं तो आपको भी मिस्टेक लगेगी एग्जाम में, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2 की पावर 5n ओवर 6 बार, तो 6 के साथ 6 कट गए, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट 3 की पावर ये 3 और बाहर कितना है, -n बाय 6, ये 6 जो है 3 के साथ कैसे कटेगा, 3 के टेबल में 6 2, ठीक है, ओवर इक्वल टू का साइन, 12 जो है ये है हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और इनकी होल पावर ये बाहर -n बाय 2। अब यहाँ पे पॉइंट मींस डॉट मींस मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, 2 की पावर कितनी है 6n, क्लियर है। नाउ यहाँ पे देखो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 5n इंटू 3 की पावर ये -n बाय 2, ठीक है, 3 की पावर कितनी आ रही है -n बाय 2, और ये 2 की पावर 6n, ठीक है। नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, अब 2 और 3 की पावर ये वाली जो है दोनों के साथ लगाओ अलग अलग मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू ये -n बाय 2, 2 के साथ 2 कट गया, ठीक है, इंटू 3 की पावर कितनी आ गई -n बाय 2, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, इसके साथ किया तो 2 कटिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा अब हमारे पास, ये देखो 2 की पावर 5n इंटू 3 की पावर, यहाँ पे 3 की पावर जो है कितनी है n ओवर 2, है ना, 3 की पावर -n बाय 2 इंटू 2 की पावर 6n। अब ये वाला स्टूडेंट जो नीचे है डिनोमिनेटर में, जब ऊपर जाएंगे ये तो पावर इनकी क्या हो जाएगी, माइनस की है तो पॉजिटिव बन जाएगी ना, ये वाला भी प्लस का n बाय 2। अब बेस सेम है जो है, ये 2 2 वाले बेस की पावर जो है उनको अलग से ऐड कर लो, और जो 3 वाले बेस है उनकी पावर अलग से ऐड कर लो, ठीक है, ये माइनस वाला n बाय 2 ये प्लस वाला n बाय 2 दोनों कट गए, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी बची, 5 6 और 8 कितने हो गए, प्लस करके दो इनको 12, ठीक है, 12n इंटू यहाँ पे तो ये कैंसिल ही हो गया, तो 3 की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 हो तो क्या आंसर है उसका, तो 1, तो इट मींस इंटू 1, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 12n आ गया आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो, फिर इजी लगेगा, और फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए। नाउ स्टूडेंट 8 का फोर्थ पार्ट देखो लास्ट, यहाँ पे 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1, नीचे 2 की पावर n प्लस 1 और 2 की पावर n। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम 2 की पावर n कॉमन निकाल लें, लेकिन इस तरह से नहीं निकाल सकते, सभी की पावर अलग अलग करनी पड़ेंगी, कैसे, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर ये n माइनस 1 है ना, तो इसको हम इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं ना,
देखो सेम बेस है, ऐड करेंगे तो n माइनस वन में बनेगा, है ना। इसी तरह से नीचे 2 की पावर ये अलग हो जाएंगी, तो n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। अब देखो दोनों में 2 की पावर n है यहाँ भी, है ना, तो ऊपर से भी कॉमन निकाल लो और नीचे से भी 2 की पावर n, ऊपर से कॉमन गई तो यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में 2n पावर एन निकाली बाहर, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 मीन्स 2 ही है, माइनस 1 ये बच गया। अब ये 2 की पावर एन एन कैंसिल हो गए सेम, ठीक है। यहाँ पे 2 1 प्लस ये 2 की पावर माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ओवर लगाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 बाय 2, और नीचे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 1 नहीं आना, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास सिर्फ ये 1 ओवर 1 प्लस 1 बाय 2 बच गया। अब एलसीएम लो इसका, कितना एलसीएम आएगा 2, और ये क्रॉस 2 प्लस 1 कितना आ गया 3/2, ठीक है। यही आंसर है आपका, बुक पे देखो, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट 9 का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो पावर्स हैं इनको 4 टाइम 4 को और 3 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 256 और 81, ठीक है। यही आया, करके देखो आप। इस साइड 13 की पावर रूट 3 है, इसको ऐसे ही रहने दो। नाउ यहाँ पे 256 माइनस 81 माइनस 6, 81 और 6 कितने हो गए 87, 87 को 256 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो स्टूडेंट यहाँ पे रूट एक्स है, ठीक है, किया 169, ये बन गई 13 की पावर, है ना। 169 13 13 सा होता है ना, तो बाय इक्वेटिंग पावर्स, ये बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होगी, तो रूट एक्स इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्केयर करो, रूट एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू 2 का स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट कट गया, एक्स इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 टू 4 आ गया आंसर, क्लियर। नाउ स्टूडेंट 9 का सेकंड पार्ट भी सेम है, यहाँ पे पहले हमने बेस सेम बनाने हैं, ठीक है। ये जो रूट का साइन है ये 1 ओवर 2 हो गया, 1 ओवर 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू दूसरी तरफ 125, 5 की पावर 3 होती है, और 347 जो है ये किसकी पावर होती है, 7 को 3 टाइम करो तो मल्टीप्लाई, है ना। तो ये बन गया यहाँ पे हमारे पास 3 इधर मल्टीप्लाई करके -3। अब बेस सेम हो गए हैं तो पावर्स भी इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, x माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू -3। नाउ सॉल्व इक्वेशन हो गई, सॉल्व इक्वेशन करके यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई -5, ठीक है, क्लियर। नाउ स्टूडेंट 10 का फर्स्ट पार्ट देखो, सिंप्लीफाई करना है, सेम वैसे ही 3 की पावर सभी को बना लेंगे सेम बेस बनाने के लिए। तो यहाँ पे 9 है, 9 किसकी पावर 3 की पावर 2 बन गया, और बाहर क्या है उसके 1/3 इंटू 3 की पावर 3 27 और बाहर -1/2, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 3 की पावर बनी हुई है, ठीक है, इनको ऐसे ही रहने दो, ये 3 की पावर -2/3। नाउ बेस सेम है, पहले ये ब्रैकेट्स पूरी खोल लो, ठीक है। ये आ गया 3 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर -3/2, ठीक है। नीचे 3 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2/3। नाउ अब ऊपर वाले बेस सेम है, जो उनकी पावर्स ऐड कर लो, ऐड करोगे यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। नीचे 3 की पावर 1/6 -2/3। नाउ फ्रैक्शन है इसलिए एलसीएम लेके करना पड़ेगा, ठीक है। बेशक ये आप सामने रफ में चाहे कर लो ये वाली चीज को सॉल्व, या यहीं पे कर सकते हो। अगर रफ में करोगे तो इस तरह से 2/3 -3/2 एलसीएम लो 6, 2 2 4 -3 3 9 कितना आ गया -5/6, ठीक है। 5/6 पावर आ गई यहाँ पे एक साइड पे ऊपर, तो यहाँ 3 की पावर -5/6, और डिनोमिनेटर में भी इसको भी सॉल्व कर लो 1/6 -2/3। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो ये दोनों में से बड़ा कौन है 6, और ठीक है 3 के टेबल में आता है ना ये, तो यस इट मीन 6 ही है इसका एलसीएम होगा।
तो 1 माइनस ये कितना है 3, 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे माइनस 3 बाय 6, ठीक है, 3 बाय 6 की कटिंग हो रही है 1 बाय 2, तो यहाँ पे 3 की पावर माइनस 1 बाय 2 आ गया। क्लियर है ना ये स्टेप? ये तो छोटी क्लासेस का काम है भाई, एलसीएम लेके प्लस माइनस करनी, ठीक है। ये रफ में मैंने साइड पे इसलिए, आपने सामने करनी है फिर अगर ऐसे करोगे तो, ठीक है। तो इस तरह से नाउ अब बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस ये 3 की पावर माइनस 5 बाय 6, ये तो ऑलरेडी माइनस में है, ऊपर जाके प्लस बन जाएगी 1 बाय 2। नाउ अगेन यहाँ पे इनको एलसीएम, अभी यहीं पे ले लो एलसीएम, कितना आ गया 6 एलसीएम, ये माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 3। अब 3 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 3 की पावर 5 में से 3 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 बाय 6, ये अगेन कटिंग हो रही है 2 के टेबल में 3 पे, तो 3 की पावर माइनस 1 बाय 3, यही आंसर स्टूडेंट। यस, नाउ अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के जरूर देखो, फिर इजी लगेंगे। नाउ 10th का सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे ये 625 की 3 पावर्स दी हुई है, ठीक है ना, तो ये सभी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे 2 के साथ 2 कट गया तो इसकी पावर बच गई, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 625 की 1/4 पावर। तो ये 625 जो है 5 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो फिर आता है 625, चाहे रफ में आप करके देख लो, यहाँ पे 5 के टेबल में इसके फैक्टर बनाओ, 5 पे 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5, ठीक है, फिर 5 पे, अगेन 5 पे, फिर 5 पे, ये देखो, ठीक है, तो ये आ गया 5 की पावर 4 और बाहर 1 बाय 4, 4 के साथ 4 कट गया, 5 की पावर 1 मीन्स 5 आंसर आ गया, ठीक है, सबसे इजी सम था, है ना। नेक्स्ट 11 नंबर सम है, यहाँ पे भी आपने एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट के बेस जो है वो आपने सेम बनाने हैं, यहाँ पे इसको अलग से लिख लो, इसको अलग से, ठीक है। ये 4 जो है इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 टू 4 ही तो होता है, ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, ठीक है, नौ बेस सेम, पावर्स क्या कर देंगे इक्वल, ठीक है, उस साइड भी ऐसे ही, ये दोनों को इक्वल कर दोगे, 9 जो है 3 की पावर 2, ठीक है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और दूसरी तरफ 3 की पावर माइनस वाई, ठीक है, बेस सेम, पावर्स इक्वल, इक्वेट कर दो इनको, इक्वल करोगे तो कितना आ गया 2 प्लस एक्स माइनस वाई, वाई इधर आ गया, एक्स प्लस वाई 2 दूसरी तरफ जाके माइनस 2, तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये वाली यहाँ से फर्स्ट, ठीक है, ये सॉल्व किया तो x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। नाउ 1 एंड 2 देखो, यहाँ पे ये y y सेम कोफिशिएंट है, डिफरेंट साइन है, तो ऐड करोगे दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ये तो 6th चैप्टर 5th चैप्टर बन गया, वो तो आपको आता है ऑलरेडी, सॉल्व द इक्वेशन वाला है ना, एलिमिनेशन मेथड से, तो ऐड किया दोनों को, तो यहाँ पे x की वैल्यू, ये y y कट गए, 2x इक्वल टू, ये 2 2 भी कैंसिल हो गए, 0 आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट किया 0, y की वैल्यू आ गई माइनस 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, केयरफुली करना है बट इसको। नौ 11 का सेकेंड भी सेम ही है, यहाँ पे इधर जो बेस है वही दूसरी तरफ बनाओगे, इस तरह से फैक्टर पहले बना लो, ये 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये अब सेम बेस जो है उनको इक्वल कर लो, और दूसरा बेस जो सेम है उसकी पावर्स को इक्वल, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और दूसरी तरफ से y की वैल्यू आ गई, ये 3 उस तरफ जाके ऐड, 5 ओवर ये 2, 5 बाय 2। नाउ बुक की बैक में आपको ये आंसर डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन में है, इसलिए इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास 2 1 बाय 2 आ गया y, therefore x equal to 3 and y equal to 2 into 1 by 2, clear student? तो student इसके साथ ही हमारा 7 chapter जो है complete होता है, क्योंकि आपके syllabus में second term में only 7.1 ही exercise है जो कि आज हम complete कर चुके हैं। तो student अगर आपको अपने syllabus के according कोई भी video चाहिए तो आप हमारे channel पे जाके वहां से प्लेलिस्ट देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए, उन्हें भी कहीं बाहर पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे उनको हर एक सम जो है वो मिल जाएगा, अच्छे से स्टडी हो पाएगी उनकी।
तो स्टूडेंट देखकर कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।